सबसे बड़ा मंच ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति चार महीने के एक बड़े संघर्ष की शुरुआत कर रहा है। मेरे से मीडिया वाले साथियों ने पूछा, ये इतना बड़ा प्रदर्शन आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो धरती दिखाने आए हैं, ये तो चार महीने जो फिल्म इस देश में चलेगी उसका ट्रेलर दिखाने दिल्ली में आए हैं, असली सीन तो अभी बाकी है। आज से चार महीने तक इस देश के किसान इस सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेंगे और अपने दो कानून बन सके उसके लिए संघर्ष करेंगे। पहला पड़ाव आज 20 जुलाई को, दूसरा पड़ाव 9 अगस्त को, बीच में हमारे बिल 3 अगस्त को आएंगे संसद के सामने, तीसरा पड़ाव होगा जब हमारी फसलें मंडी में पहुंचेगी सितंबर अक्टूबर के महीने, तो मंडी जाके हम इनका पर्दाफाश करेंगे, और चौथा सबको पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, जैसे बॉम्बे में किसान आए थे, मुंबई में आए थे ना, टीवी पे देखे होंगे सबने, हजारों किसान बॉम्बे में आए थे, अब मुंबई जाने का तो एक रास्ता है, दिल्ली आने के तो 10 रास्ते हैं, 10 दिशाओं से किसान आएंगे और दिल्ली के दरवाजे पे आके इस देश के आत्मा में दस्तक देंगे और सच दिखाएंगे। 30 नवंबर को सच दिखाएंगे किसान। दोस्तों, मैं हमारे साथी राजू शेट्टी भाई को बधाई देता हूं, ये जो इन्होंने विजय हासिल की ये सिर्फ 5 रुपए नहीं है, ये सालाना महाराष्ट्र के किसान के लिए 1,800 करोड़ रुपए की जीत है। कोई सरकार भी इतना नहीं करती है जितना इसे एक हमारे किसान साथी ने किया है। ये मेरी बहन के लिए एक नई साड़ी है, माँ के लिए दवाई है, बच्चे के लिए किताब है, ये सब किसानों ने अपने संघर्ष से हासिल किया है। एक बार फिर के मेरे साथ आप सब लोग महाराष्ट्र के साथियों को बधाई दो, अपने तरफ से सब अपताई हो जाके महाराष्ट्र के साथियों का स्वागत करें, क्योंकि आज देश भर के दूध के किसान संकट में है, सबको ये संघर्ष करने की जरूरत। दोस्तों, इस वक्त जब हम संसद मार्च पे बैठे हुए हैं तो संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा ये तो सारे देश को पहले से पता है, लेकिन इस देश के किसान ने अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, कर दिया अभी देश का किसान मोदी सरकार के अगर खिलाफ है तो आप हाथ खड़ा करके बता दो कि हम मोदी सरकार के खिलाफ हैं। यहाँ तो हो गया कि संसद का प्रस्ताव पता नहीं बाद में होगा, ये जरा टीवी वाले अपना कैमरा दिखा रहे, एक बार दोबारा हाथ खड़े करके दिखाएंगे आप, ये लो जी ये किसानों ने तो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, संसद का होता रहेगा 6-7 बजे तक, यहाँ तो फैसला हो गया। पिछले 4 साल से इस देश में सच्चा विपक्ष संसद के अंदर नहीं सड़क पे रहा, सड़क पे विरोध हुआ है, और इसलिए आज जब अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है तो उस पे ही सड़क से आवाज आनी चाहिए, संसद में तो पता नहीं कितनी आवाज आएगी, कैसी आवाज आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने इस सरकार पे 10 आरोप लगाना चाहता हूं, गिनती के 10 किसानों की तरफ से, अगर हिम्मत है इस सरकार की तो जवाब दे दे। सरकार की तरफ से हमने आज लिख के भी कहा है, मैं सिर्फ गिरवा देता हूं 10 आरोप, फैसला आपको करना है। पहली बात, सरकार ने वायदा किया था 2014 में कि हम खेती किसानी की उन्नति को, किसान की आमदनी बढ़ाने को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाएंगे, वायदा खिलाफी की है इस सरकार ने, ना किसान की आमदनी बढ़ी, ना खेती की पैदावार उस तरह से बढ़ी,
ना इस सरकार ने खेती किसानी पे वो खर्च किया। पहला आरोप वायदा खिलाफी का, दूसरा आरोप धोखाधड़ी का। इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे स्वामीनाथन कमीशन की बात को लागू करेंगे, लागत का 1.5 गुना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकर गए। और जब आप लोगों ने लंबा आंदोलन किया तो जाके इन्होंने कहा हाँ जी लागू कर दिया, लेकिन लागत की परिभाषा ही बदल दी, खेल ही बदल दिया, डंडी मार दी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं डंडी मार दी, झूठ बोला किसान के साथ, धोखा किया। ये दूसरा आरोप। तीसरी बात कि इससे पहले सरकार हर साल जो औसतन एमएसपी बढ़ा दिया करती थी, इस सरकार ने तो वो भी नहीं किया। ऐतिहासिक कहते हैं, मैंने कहा भाई अगर इतिहास मोदी जी के शपथ लेने के दिन से शुरू किया हो तब तो ऐतिहासिक है, 4 साल में देखना तब तो बड़ी बात है। लेकिन सच बात ये है कि पिछली 4 सरकारें जो रही है, 3 सरकारें, 2 मनमोहन सिंह की और 1 इनकी, इन तीनों सरकारों के अगर आप तुलना करें तो एमएसपी में सबसे कम बढ़ोतरी मोदी सरकार ने की है 5 साल के दौरान। याद है आते ही आते इस सरकार ने बोनस बंद कर दिया था एमएसपी के ऊपर। तो तीसरा आरोप, इस सरकार ने जो एमएसपी आमतौर पे बढ़ती थी उसको भी बंद कर दिया है, किसान विरोधी है। चौथा आरोप कि किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इस सरकार की, जब 2 साल का सूखा पड़ा था इस देश में, मैं जिले जिले गया, देश के इलाकों में गया हूं, जब किसान को जरूरत थी उस वक्त ये सरकार सोई हुई थी। सूखे के मौके पे इतनी लापरवाही इस देश की किसी सरकार ने नहीं बरती जितनी इस सरकार ने बरती है। पांचवा आरोप, इस सरकार के आयात निर्यात की नीति ऐसी रही कि जब जब किसान की फसल ज्यादा हुई उसको विदेश भेजने की जरूरत हुई तो सरकार ने कहा नहीं, निर्यात नहीं कर सकते, बैन है। गेहूं ज्यादा हो गया, किसान की फसलें ज्यादा हुई, बाहर नहीं भेज सकते। लेकिन जब जरूरत थी किसान को कि बाहर की फसल अंदर ना आए, तब सरकार ने कहा कि बाहर की फसल आएगी। चीनी, इस टाइम गन्ने का इतना प्रोडक्शन हुआ, बंपर क्रॉप हुई और सरकार ने पाकिस्तान से चीनी मंगवा ली। तो सरकार की आयात निर्यात की सारी नीतियां किसान विरोधी है, पांचवी बात। छठी बात, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, ये जो नोटबंदी थी ये किसान के साथ धक्का था। मुश्किल से 2 साल के सूखे से किसान अपना सर उठा रहा था और ऐसे में नोटबंदी उसके सर पे इस सरकार ने डाल दी। सातवीं बात, मनरेगा। मनरेगा जो कानूनी गारंटी, रोजगार गारंटी वाला कानून है, उस कानून का गला घोटने का काम इस सरकार ने किया है। जितनी पेमेंट ड्यू इस सरकार के तहत है उतनी इससे पहले कभी भी नहीं थी, लेट पे है। आठवीं बात, जो किसान जो पशुओं के व्यापार पे जो पाबंदी लगाई उसकी वजह से इस देश में पशुओं का सारा व्यापार तबाह हो गया और आज गांव गांव में आवारा पशु घूम रहे हैं, पशु फसलों को खा रहे हैं, किसान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। नौवीं बात, जो आदिवासी किसान हमारे देश के हैं उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार को छीनने का जो काम इस सरकार ने किया है वो और किसी ने नहीं किया। और आखिरी और दसवीं बात, सरकार कुछ दे, वायदा पूरा करे ना करे, चलो सारे सरकारें झूठ बोलती हैं। सरकार आपको कुछ दे या ना दे, चलो कोई बात नहीं, सरकारें कुछ नहीं देती हैं, मगर इस सरकार ने तो छीनने का काम किया है। याद है भूमि अधिग्रहण के नाम पे किसान के पास आज एक ही चीज बची है, ना तो उसके पास पैसा बचा है, ना इज्जत बची है, बस बाप दादे का दिया हुआ जमीन बची है। उस जमीन को छीनने की कोशिश से सरकार ने एक बार नहीं की, 4-4 बार की, और जब फेल हो गई तो राज्य सरकारों के जरिए से छीनने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये 10 अपराध हैं इस सरकार के, और इस 10 अपराध के चलते आज इस देश के किसान इकट्ठे हुए हैं।
और हम कहते हैं वो बात हमारे बाकी साथी बताएंगे कि ये सब जुमले काजी धोखा झूठा बंद करो, सिर्फ दो काम कर दो। अगर हमारे सच्चे हितैषी हो तो 3 तारीख को लोकसभा के अंदर राजू शेट्टी एक बिल लेके आएंगे, 2 बिल पेश करेंगे। पहला, किसान को उसकी फसल का वाजिब हक कानूनी हक के तौर पे दो, और दूसरा, किसान को खेती के हर किस्म के कर्जे से 1 झटके में बिना किसी शर्त के मुक्त करो। तो ये 10 जो चोरी झूठ लापरवाही नालायकी की है उसे खत्म करके ये 2 काम करो, ये मांगने के लिए किसान आज यहाँ पे आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जैसे आपने पहले शुरू में हाथ उठा के कहा कि इस सरकार को हम रिजेक्ट करते हैं, तो ये जो 2 किसान के बिल है, किसानों को अपनी फसल का दाम कानूनी हक से गारंटी से मिलना चाहिए और किसान के सारे कर्जे 1 झटके में खत्म होने चाहिए। हम सब इसके हक में हैं। राजू भाई देख रहे हैं, सब हमारे सांसद देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ेंगे और जीतेंगे और 30 नवंबर को ऐसा नजारा दिखाएंगे कि ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। किसान एकता।